दोस्तों ये मैं हूँ और ये सीवियो है और हम आए सीवियो पर और चांद नजर आ गया। चांद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ कमाल और मेरे साथ हैं सिद्रा खान और हम लोग आए हैं आज सीवियो पर। यहाँ पर हम करने वाले हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इफ्तारी और हम घर से सामान लेकर आए हैं अपना मज़ेदार किस्म का और आज हो सकता है चांद रात भी हो, तो देखते हैं। चांद देखने आए हैं, आपको भी बताएंगे कि चांद हमें नज़र आता है या नहीं आता, सरप्राइज़ है। क्या बोलती हैं आप सिद्रा? हाँ, यहाँ पर जो है मेरे ख्याल से आज चांद नजर आ जाएगा और एनवायरनमेंट तो दिखाएं आप, पीछे से सनराइजिंग हो रही है और इतना अच्छा लग रहा है, हवाएं यहाँ की और ये लोग, मैं लोगों को देख के जो है ना बस खुश हो गई हूँ, सुकून ही मिल रहा है यहाँ पर, हवा इतनी तेज चल रही है। अच्छा, हमने सोचा था कि हो सकता है शायद हम ही होंगे लेकिन और लोग भी जैसे कि आप देख सकते हैं कि आए हुए हैं इधर। अच्छा फ्रेंड्स, इधर यहाँ पर ये मछलियाँ भी यहाँ पर मौजूद है जो कि लेकर जा रहे हैं मछली वाले, पकड़ के मछलियाँ अपने घरों को। तो ये कौन सी मछलियाँ? पापलेट है, भोई है, लेडी फिश है। तो ये क्या करेंगे आप इसका? फिशरी में जाके फ्रॉक करेंगे। अच्छा, फिशरी में, ठीक है। तो ये कैसे पकड़ी आपने, कश्ती में जाके? फोम की कश्ती बनाई जो आगे रखी है, बांस के जरिए जाते हैं। अच्छा अच्छा, जाल फेंक के फिर रस्सी के जरिए से खींचते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये एक दिन में आज में पकड़ी है आपने? सुबह कितने बजे गए थे? हम लोग तकरीबन 3 बजे गए थे। अच्छा, मतलब 2-3 घंटे में पकड़ लिया आपने, माशाल्लाह से बड़ी जबरदस्त उन्होंने मछलियाँ पकड़ ली हैं, सिर्फ 3 से 4 घंटे में पकड़ी हैं, माशाल्लाह। अच्छा फ्रेंड्स, इधर मेरे साथ और भी मेरे कुलीग्स आए हुए हैं जिसमें रबिया है और साथ में हीरा भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो हीरा, कैसा, क्या मज़ा आ रहा है आपको, एंजॉय कर रही हैं आप? देर से सफर करते हुए आ रहे थे और गर्मी लग रही थी, सफोकेशन हो रहा था गाड़ी, यहाँ पहुँचे सारी टेंशन रिलीज हो गई है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं पीछे समंदर की कितनी ज्यादा आवाज है लेकिन कितना सुकून मिल रहा है यहाँ पे आके। अच्छा, हम लोग ये सोच रहे थे कि शायद हम लोग ही होंगे लेकिन और लोग भी इधर आए हुए हैं, काफी लोग इंजॉय करने के लिए आए हुए हैं। रोजा खोलते रहते हैं, आज प्लान था कि फ्रेंड्स के साथ मिलके बैठेंगे, रोजा इफ्तार करेंगे और एंजॉय करेंगे। और एक और मकसद ये है कि आज हमने चांद देखने के लिए, जो खास तौर पे हमारा यहाँ का प्रोग्राम है वो चांद देखना। वैसे तो देख तो कोई और लोग रहे हैं मगर चांद हमें देखना है और नो डाउट यहाँ पे कराची वालों को एक चीज हासिल है कि यहाँ पे पार्टी बहुत जबरदस्त होती है, आपका जब दिल करो केक मारो और निकलो, सीवियो आ गया। कोई दूर नहीं जाना है कि लाहौर से कराची का सफर करना है तो भाई अभी देखो और सनसेट चेक करें यार। अच्छा दोस्तों, मैंने इनका इंट्रोडक्शन नहीं दिया, ये है जैसी भाई, तो आप अपने चैनल का नाम बता दें हमारे व्यूअर्स को। मेरे चैनल का नाम है फूड ट्रैवल विद जैसी में एक फूड ब्लॉगर हूँ और उसके साथ साथ मल्टीपल चीजें कवर अप कर जाता, तो आज हमारे साथ ये सब मौजूद थे। तो भाई क्या पता आखिरी अवतार हो, पता नहीं है, भरोसा नहीं है, उनका दिल करेगा तो कल फिर करवा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्या कर सकते। रविया, आप क्या कहती है? मैं भी वही कहूँगी कि हम लोग कराची में रहते हुए लेटरली अफसोस कर रहे हैं कि पहले क्यों नहीं है हमने इन्वाइट करा, काफ़ी सारे लोग आए हुए, यहाँ आना चाहिए था, एंजॉय करना चाहिए था, बट फॉर्चुनेटली एक अवतार तो मिला ना गाइस, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा व्यू है खूबसूरत और वाकई साथ इतनी गर्मी थी यहाँ की, इतनी ठंडक का एहसास हो रहा है, मौसम भूल गए कि जबरदस्त मौसम है, हम लोग आते नहीं, हालांकि जो दूसरे शहरों में रहते हैं कराची से बाहर वहाँ पे समंदर नहीं होता, वो लोग समंदर के लिए काफ़ी तरसते हैं लेकिन हमारे पास समंदर है, हमें टाइम नहीं मिलता यहाँ पर आने के लिए, तो काफ़ी इंजॉय हो रहा है और काफ़ी यहाँ पर तैयारियाँ भी हो रही हैं। सनसेट हो रहा है और सिद्रा और हीरा शो कर रही हैं यहाँ पर सनसेट का व्यू, ये सनसेट कैसा लग रहा है। दोस्तों, अब रोज़ा खुल चुका है और सब अपने लिए इफ्तार में लेना चाह रहे हैं कि क्या क्या है इफ्तार में, मैं आपको दिखाता हूँ कि इफ्तार में क्या क्या यहाँ पर मौजूद है। मज़ेदार से पकौड़े कैसे लगे सिद्रा, पकौड़े कैसे लगे? अच्छा, ठीक है ठीक है, दिखाएं ये रहे काशी भाई। अच्छा, ये फूड पांडा वाले भाई हैं हमारे। फूड पांडा में काम करते हुए ये कोई 24 घंटे। हीरा, ये क्या है? दही बड़े बनाए हैं। वाओ, जबरदस्त। ये हमारे जो है ना शेफ, अच्छा शेफ काशिफ जी, बिल्कुल उन्होंने बनाया, उन्होंने बनाया। पीने के लिए यहाँ पर मौजूद है मरिंडा। लोग एक चीज खाते हैं लेकिन ये राबिया जो है दो चीजें एक साथ लेकर खा रही है। वेरी वेल, वेरी वेल।
एक बैट में एक टेस्ट, दूसरी बैट में दूसरा टेस्ट। तो दोस्तों हमने इफ्तार भी कर लिए और मगरिब भी यहाँ पर हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा हमें मज़ा आया। सभी लोग, सिदरा है साथ में, हीरा है, इन लोगों ने भी कर लिए, मज़ा सा आया काफ़ी ज़्यादा। तो चांद हम लोग देख रहे हैं कि नज़र आया या नहीं आ रहा, तो एक तरह से सस्पेंस ही है कि नज़र आता है या नहीं आता। मतलब चांद नज़र आ चुका है। तो ये तो दो दो चांद हो गए ना, एक येरा चांद है, एक येरा चांद है ना। नहीं नहीं, मैं भी चांद है। आप लोग बताएं कमेंट में कि मैं चांद लग रही हूँ या नहीं लग रही। हाँ चलिए दोस्तों, कमेंट में बताइएगा कि चांद आपको नजर आया या नहीं आया। इस पर हम चैलेंज भी करेंगे, अगर चांद नजर आया तो ये हमें पेट्रोल खिलाएंगे, सही है? ठीक है, मंजूर मंजूर मंजूर। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही आज के व्लॉग एंड करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।